सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज़ शिप्रा गोयल। आज हम लोग मेडिपीडिया के जनकपुरी दिल्ली ऑफिस से हैं। मेरे साथ साहिल के फादर हैं जो कि उत्तम नगर दिल्ली से ही हैं, और लेट्स सी कि सर खुद एजुकेशन बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इंडिया में एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, बिकॉज ऑलरेडी साहिल एक साल ड्रॉप भी कर चुका है। जानते हैं उनका मेडिपीडिया के साथ एक्सपीरियंस कैसा गया और काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या क्या उनको अंडरस्टैंडिंग हुई, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो कि आगे इन फ्यूचर एडमिशन लेने वाले हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। सर पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए और फिर आपका मेडिपीडिया के साथ कैसा कनेक्शन गया, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, प्लीज़ शेयर करें। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, मैं साहिल गुप्ता का फादर हूँ और मेडिपीडिया से मैं इसी साल जुड़ा हूँ। हालांकि मैं उनको लास्ट ईयर भी जानता था, लेकिन लास्ट ईयर किसी वजह से मैं जुड़ नहीं पाया और उसका मुझे नुकसान भी उठाना पड़ा कि लास्ट ईयर में मार्क्स होते हुए भी एडमिशन नहीं पा सका। लेकिन मैंने सोचा इस साल ऐसा नहीं गलती होनी चाहिए, तो इस साल मैं मेडिपीडिया से जुड़ा और उनकी गाइडेंस की वजह से मुझे पहले ही राउंड में सीट अलॉट हो गई। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल से मेडिपीडिया की गाइडेंस की वजह से ही हो पाया। और सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉलेज मेरे को मिला जिसमें मेरा बेटा भी बड़ा सेटिस्फाइड फील कर रहा है। सर कोई भी हिडन एक्सपेंसेस मिले कॉलेज में? नहीं, एज सच तो कोई हिडन एक्सपेंसेस नहीं मिले मेरे को। बिकॉज यूपी को लेकर ना एक पेरेंट्स के दिमाग में मिथ है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस बाद में ले लेते हैं। अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट पेरेंट्स भी मतलब बजट जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर होता है उसके अलावा कितनी प्लानिंग उनको करनी चाहिए। नहीं, हमारे कॉलेज में भी थी ऐसी मिथ, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं है उस कॉलेज में। तो आज की डेट में तो अभी तक मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लिए गए उससे। ओके ओके। और सर जैसा कि आपका काउंसलिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, काउंसलिंग में क्या गलतियाँ पेरेंट्स कर लेते हैं? गलतियाँ यही करते हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी गलती होती है कि शायद मेरा वो कर्नाटका में आ जाएगा, केरला में आ जाएगा, लेकिन उन लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ प्रोसेस नॉलेज की वजह से अक्सर ऐसा हो नहीं पाता, जिसके लिए मेरे को लगता है कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी 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 जी। और सर जैसे आपने मेडिपीडिया का दिल्ली ऑफिस भी विजिट किया, तो यहाँ के जो काउंसलर्स के साथ आपका गया, मतलब कभी भी कम्युनिकेशन में कभी आपको लगा हो कोई फीडबैक हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर शेयर करें? नहीं, बहुत अच्छा फीडबैक है मेरी तरफ से तो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कई बार मैं कॉल करता था तो या तो कोई स्टाफ बिजी है तो मैसेज तुरंत आता था कि आई विल कॉल यू बैक, और विद इन 15 मिनट मेरे को कॉल बैक आता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई क्वेरी है और वो सॉल्व ना हो पाई। ये बताना चाहूँगी कि डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी पावर है, बिकॉज जैसे इनके बेटे का जो एडमिशन है राउंड 1 में हुआ, स्पेशली जो बच्चे यूपी में MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो कई बार सोच लेते हैं कि राउंड 1 में नहीं राउंड 2 में एडमिशन लेंगे, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो काउंसलिंग जहाँ पे एडमिशन राउंड 1 में होती है वहाँ पे आपको टॉप कॉलेज राउंड 1 में मिलेगा, राउंड 2 में नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे राउंड 1 में कट ऑफ आई जाएगी, राउंड 2 में कम मार्क्स पर मिलेगा। ये सारी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एक भी राउंड काउंसलिंग का गलत हो गया तो आपको सही कॉलेज नहीं मिल पाएगा, यही पेरेंट्स गलती कर बैठते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और इसी तरीके से आप राइट काउंसलिंग, राइट टाइम डिसीजन से राइट प्लेस पे आप अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर सकते हैं, जैसे साहिल ने किया। साहिल का एडमिशन GS मेडिकल कॉलेज में हुआ जिसका फीडबैक पेरेंट्स से काफ़ी अच्छा मिला है। हम आगे भी कैंपस रिव्यू भी करेंगे और साहिल से भी फीडबैक लेंगे कि उसको वहाँ की पढ़ाई कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच सर, आपका भी कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा रहा हमारे साथ। हमें अब ऐसा लगता नहीं है कि साहिल और आप हमारी फैमिली का पार्ट नहीं हो, क्योंकि हम इतनी बार लगभग 10 टाइम्स तो मिल चुके होंगे, 10 बार मिल लिए, तो ऐसा लगता है कि आप तो पास में कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।